नमस्कार दोस्तों उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून आप सबको नमस्ते दोस्तों आज हम इस क्लास में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत हम संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जो संत और संप्रदाय टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है और लगभग मैं कोशिश करूंगा दोस्तों इसी क्लास में आपको याद हो जाए साथ साथ में आप पढ़ो और साथ साथ में याद हो जाए इस प्रकार से मैं आपको पढ़ूंगा और दोस्तों मैं आपको यह टॉपिक कंप्लीट से पढ़ूंगा और बहुत डिटेल से पढ़ूंगा दोस्तों एक बात याद रखिएगा आप विषय वस्तु से हटकर कोई भी कमेंट मत कीजिएगा आपको जहाँ समझ में नहीं आए केवल आप वहां पर कमेंट कीजिएगा वरना टेक्निकल टीम आपको ब्लॉक कर देगी देखिएगा दोस्तों जो संत और संप्रदाय टॉपिक है इसमें दो ती, तीन या चार प्रकार से हम पढ़ते हैं एक तो राजस्थान के प्रमुख संत जो सगुण है वो निर्गुण है इसके अलावा भारत के प्रमुख दोस्तों हम यू कह सकते हैं हमारे जो प्रमुख संप्रदाय है नेशनल स्तर के उन संप्रदायों के बारे में भी हम पढ़ते हैं तो देखिएगा दोस्तों हम टॉपिक आरंभ करते हैं राजस्थान के संत और संप्रदाय से राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय ये हमारा टॉपिक है संत एवं संप्रदाय और जो राजस्थान के हैं दोस्तों और राजस्थान के भी प्रमुख संत और संप्रदाय देखिएगा दोस्तों संत और संप्रदाय टॉपिक आरंभ करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताता बन, बताना चाहता हूं कि जो संत और संप्रदाय है ये दोनों जिससे संबंधित है उसका नाम है भक्ति यानी इनको समझने से पहले दोस्तों हमें ये पढ़ना होगा कि ये जो भक्ति परंपरा होती है ये भक्ति परंपरा क्या होती है दोस्तों ये जो भक्ति परंपरा है हम यू कह है सकते हैं इस भक्ति परंपरा के कुल दो मार्ग है अर्थात भक्ति करने के दो रास्ते हैं दो मार्ग है एक का नाम है सगुण भक्ति परंपरा एक का नाम क्या है सगुण भक्ति परंपरा पहले आपको इसके बारे में समझना चाहिए कि सगुण भक्ति परंपरा क्या है और दूसरी एक भक्ति परंपरा है जिसका नाम क्या है निर्गुण भक्ति परंपरा निर्गुण भक्ति परंपरा देखिएगा दोस्तों इसी प्रकार से यहां आप से आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों वो प्रश्न ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संत सौगुण है और निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण है इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा अब देखिएगा दोस्तों मैंने आपको चित्रकला पढ़ाई चित्रकला की जो प्रत्येक स्कूल है वहां से आपको चित्रकार के नाम पूछे जाते हैं उसी प्रकार दोस्तों सेकेंड ग्रेड में आपके एक प्रश्न ऐसा आ सकता है जिसमें किसी संत का नाम दिया हुआ आएगा और ये पूछा जाएगा ये सगुण है या निर्गुण है ये आपसे प्रश्न इस, इस प्रकार से इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्न लिखित में से कौन सा संत सगुण या निर्गुण नहीं है और नीचे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन आएंगे तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं कि सगुण और निर्गुण क्या होते हैं आपको दोस्तों इतना सा याद रखना है कि भक्ति परंपरा के कुल कितने मार्ग है दो मार्ग है भक्ति परंपरा के मार्ग हम यू कह सकते हैं भक्ति परंपरा के कुल कितने मार्ग है दो मार्ग है एक मार्ग का नाम है दोस्तों सगुण भक्ति परंपरा हम यू कह सकते हैं एक जो मार्ग है दोस्तों इस मार्ग का नाम क्या है सगुण भक्ति परंपरा सगुण भक्ति परंपरा सगुण भक्ति परंपरा और दूसरी जो परंपरा उसका नाम क्या है निर्गुण भक्ति परंपरा निर्गुण भक्ति परंपरा अब देखिएगा सगुण भक्ति परंपरा होती क्या है और निर्गुण भक्ति परंपरा होती क्या है इन दोनों के बारे में समझो दोस्तों और आपको केवल सुनना है इनके बारे में आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं है मैं आपको यही याद करवा दूंगा कि कौन से सगुण है और कौन से क्यों कौन है निर्गुण है अब देखिएगा सगुण भक्ति परंपरा इसके बारे में दोस्तों आप इतना सा याद रखिएगा सगुण यानी हम यू कह है सकते हैं इसमें सम्मिलित क्या है गुण गुण का दूसरा नाम हम क्या देते हैं साधन यानी इसमें सम्मिलित क्या है गुण या साधन और इसमें सम्मिलित क्या नहीं है गुण या साधन सम्मिलित नहीं है जिसमें गुण नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं निर्गुण और जिसमें साधन नहीं होते हैं गुण का है दूसरा नाम क्या देते हैं हम साधन अथार्थ तो देखिएगा भक्ति की वह परंपरा जिसमें तो गुणों या साधनों को सम्मिलित किया जाता है उसे सगुण कहते हैं और भक्ति की वह परंपरा जिसमें तो गुणों या साधनों को महत्व नहीं दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं निर्गुण कहते हैं निर्गुण के, है। के बारे में इतना सा याद रखिएगा भक्ति की एक ऐसी परंपरा जिसमें तो गुण या साधन सम्मिलित नहीं होते उसको निर्गुण कहते हैं और दोस्तों सगुण में भक्ति की एक ऐसी परंपरा जिसमें गुण या साधन सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं सगुण कहते हैं अब देखिएगा गुण या साधन होते क्या है देखिएगा भक्ति के दोस्तों जो गुण या साधन होते हैं उसको हम यू कह सकते हैं माला देखिएगा माला हम यू कह सकते हैं भजन मूर्ति भजन मूर्ति कीर्तन संगीत संगीत ये दोस्तों क्या है हम यू कह सकते हैं ये भक्ति के क्या है गुण या साधन है अब देखिएगा भक्ति की वह परंपरा यानी भक्ति परंपरा का वह मार्ग जिसमें भक्ति करने के लिए इन गुणों को मेत्वे दिया है माला को भजन को कीर्तन को मूर्ति को संगीत को इनको हम क्या कहते हैं सगुण भक्ति परंपरा अब देखिएगा साधन से मतलब यह है दोस्तों गुण साधन को हम क्या कहते हैं गुण यहां पर इसका मतलब यह है कि भक्ति करने के लिए आपको क्या चाहिए साधन चाहिए तो भक्ति के ये साधन है भक्ति के ये गुण है और जब भी आप भक्ति करो इसका मतलब भक्ति के इन साधनों की आपको आप हो, आवश्यकता आप होती है या इन साधनों से आप भक्ति करते हो तो आपकी जो भक्ति की परंपरा है वो भक्ति की परंपरा कौन सी है सगुण है अब देखिएगा जब भी आप भक्ति करते हो और इस भक्ति में आपको इन गुणों की आवश्यकता नहीं होती है साधनों की आवश्यकता नहीं होती है आप इन का विरोध करते हो, तो आपकी जो भक्ति परंपरा कौन सी है निर्गुण हम यू कह सकते हैं दोस्तों इस भक्ति परंपरा में जो माला होती है जो मूर्ति होती है माला मूर्ति भजन कीर्तन संगीत संगीत जितने भी ये साधन होते हैं संगीत कीर्तन नृत्य नृत्य इन सब का इसमें क्या किया जाता है दोस्तों याद रखिएगा विरोध किया जाता है क्या किया जाता है विरोध किया जाता है भक्ति की वह परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा प्रबल नहीं दिया जाता है उसको निर्गुण कहते हैं और भक्ति की वह परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा प्रबल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं सगुण कहते हैं देखिएगा जो सगुण होते हैं दोस्तों सगुण के अनुसार ईश्वर है क्या पहला प्रश्न जो सगुण भक्ति परंपरा से बिलोंग करते हैं उनके अनुसार ईश्वर क्या है जो निर्गुण होते हैं उन निर्गुणों के अनुसार ईश्वर क्या है ये दोस्तों ईश्वर को साकार मानते हैं इनके अनुसार दोस्तों ईश्वर को क्या मानते हैं साकार मानते हैं इनके अनुसार ईश्वर का निश्चित आकार होता है और इस आकार में ये मूर्ति का निर्माण करते हैं मूर्ति पूजा प्रबल देते हैं इनके अनुसार ईश्वर क्या होता है साकार होता है ईश्वर की निश्चित मूर्त होती है ईश्वर का निश्चित आकार होता है और जबकि दोस्तों ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है ईश्वर तो कण कण में मौजूद होते हैं और जिसका कोई आकार नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं निराकार कहते हैं अब देखिएगा है। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं निर्गुण और जो ईश्वर को साकार मानते हैं उसे क्या कहते हैं सगुण कहते हैं अब देखिएगा है। यदि कोई भी मंदिर सगुण भक्ति से संबंधित होगा उस मंदिर में भगवान की मूर्ति होगी और जिस मंदिर हम यू कह सकते हैं जिस मंदिर का संबंध निर्गुण भक्ति परंपरा से होगा उस मंदिर में मूर्ति नहीं होगी तो देखिएगा याद रखिएगा दोस्तों इस संप्रदाय का या हम यू कह सकते हैं इस भक्ति परंपरा का यदि कोई भी मंदिर होगा उस मंदिर में क्या नहीं होगी मूर्ति नहीं होगी एक तो मंदिर है दोस्तों सगुण का और दूसरा मंदिर जो है वो किसका है निर्गुण का हम दो तरीके से समझ सकते हैं देखिएगा एक मंदिर ये रहा एक मंदिर ये रहा ये मंदिर जिससे संबंधित है वो सगुण भक्ति परंपरा और ये मंदिर जिससे संबंधित है उसका नाम है निर्गुण भक्ति परंपरा दोस्तों आपको इसमें इतना सा याद रखिएगा जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा की जाती है तो मूर्त मूर्ति की पूजा दोस्तों इसमें की जाती है तो यह मंदिर किससे संबंधित होगा सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित होगा इसके अलावा दोस्तों हम यू कह सकते हैं जिस मंदिर में किसी संत की समाधि हो किसी संत की क्या हो समाधि हो और वहां पर मूर्ति नहीं हो तो वो मंदिर किससे संबंधित होगा निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित होगा जिसे देखिएगा दोस्तों राजस्थान में आप देखते हो तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो देखिएगा जिसनाथ जी और जो जाम्बो जी है उनके जो प्रमुख पेट है और उस प्रमुख पेट पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं है बल्कि जांबो जी के स्थान पर जाम्बो जी की समाधि और जसनाथ जी के स्थान पर जसनाथ जी की समाधि है तो देखिएगा वो जो जसनाथ जी का और जाम्बो जी का वहां पर जो मंदिर है उस मंदिर का संबंध किससे निर्गुण से है अब दूसरी तरफ देखिएगा दोस्तों मीरा बाई जब भी भक्ति करती थी तो भगवान कृष्ण के सामने मूर्ति होती थी वो भक्ति में महत्व किसको देती भगवान कृष्ण की मूर्ति को देती थी इस कारण मीराबाई का कोई भी मंदिर होगा उस मंदिर में मूर्ति होगी भगवान कृष्ण की और मूर्ति होगी प्रतिमा होगी मीराबाई की इस कारण दोस्तों मीराबाई क्या है सगुण है और सगुण भक्ति परंपरा का जो भी मंदिर होगा उस मंदिर में क्या होगी मूर्ति होगी अब दोस्तों एक बार देखिएगा इसको पुनः समझिएगा सगुण क्या होता है निर्गुण क्या होता है सगुण उसको कहते हैं जो ईश्वर को साकार मानते हैं सुगुण इसको कहते हैं जिसमें जो भक्ति के गुणों या साधनों को महत्व देते हैं सुगुण उसको कहते हैं जो भजन कीर्तन नृत्य हम यू कह सकते हैं माला मूर्ति इनको महत्व देते हैं अपनी भक्ति में गुणों को और साधनों को जो अपनी भक्ति में महत्व देते हैं उनको सगुण कहते हैं और जो गुणों या साधनों को महत्व नहीं देते हैं उनको हम क्या कहते हैं निर्गुण कहते हैं ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ये माला भजन कीर्तन इन सब का क्या करते हैं विरोध करते हैं इनके अनुसार ईश्वर क्या है ईश्वर क्या है निराकार है तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए उसका उसके बाद में हम एक संत के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा संत निर्गुण है और कौन सा संत सगुण है इनके बारे में स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे देखिएगा इसमें से दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा संत सगुण है या कौन सा संत निर्गुण है इनमें से देखिएगा दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लिया तो आगे बढ़े हम देखिएगा एक तरफ पढ़ते हैं दोस्तों सगुण कौन कौन से हैं संत ऐसे संत जो सगुण है और दोस्तों ऐसे संत जो निर्गुण है सगुण भक्ति से संबंधित कौन कौन से संत है देखिएगा सगुण भक्ति से संबंधित और दूसरी तरफ दोस्तों याद रखिएगा निर्गुण भक्ति से संबंधित निर्गुण भक्ति से संबंधित देखिएगा इसमें दोस्तों आपको याद क्या रखना है एक तरफ सगुण है और दूसरी तरफ क्या है निर्गुण है इसमें आपको याद यह रखना है कि कौन सा संत सगुण है और कौन सा संत निर्गुण है देखिएगा आपको दोस्तों इतना सा पता है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने भगवान कृष्ण की पूजा करती थी तो मीराबाई जो मूर्ति की पूजा करे वो कौन है सगुण है और जो मूर्ति की पूजा नहीं करे वो कौन है निर्गुण है तो मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती है इसका मतलब मीराबाई कौन हो गई सगुण हो गई इसके बारे में दोस्तों हम पहला लिख सकते हैं मीराबाई जो मीराबाई थी वो कौन थी सगुण थी दूसरा दोस्तों हम यू लिख सकते हैं कि वागड़ की मीरा किसको कहते हैं गौरीबाई को कहते हैं तो गौरीबाई भी क्या हो गई सगुण हो गई तीसरा एक व्यक्ति है जिनका नाम है भक्त कवि दुर्लभ भक्त कवि दुर्लभ दोस्तों ये जो तीन है राजस्थान के संत भक्त कवि दुर्लभ मीराबाई और गौरीबाई राजस्थान में आपको दोस्तों इन तीन के बारे में याद रखना है कि इन तीन के अलावा राजस्थान का कोई भी संत आ जाए तो वो राजस्थान का संत कौन सा होगा निर्गुण होगा आपको केवल और केवल तीन के बारे में याद रखना है दोस्तों कि तीन पहली मीराबाई और मीराबाई के बारे में कहा जाता है मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी और वागड़ की मीराबाई का जाता है गौरीबाई को कारण क्यों है कारण यह है कि मीराबाई विधवा होने के बाद में भगवान कृष्ण को अपना पति मानती है हालांकि पहले भी भगवान कृष्ण को पति मानकर पूजा करती है और उसके बाद में दोस्तों ये जो गौरीबाई है गौरीबाई का बचपन में ही विवाह होता है और बचपन में यह विधवा हो जाती है गौरीबाई भी डूंगरपुर में रहकर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये भगवान कृष्ण की मूर्ति को अपना पति मानकर उनकी पूजा किया करती थी इस कारण से वागड़ की मीरा कहते हैं जो भक्त कवि दुर्लभ थे ये भगवान विष्णु के उपासक थे और ये कहते हैं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में इन्होंने जो भक्ति की है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में की है और बेलों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए इनको राजस्थान का नृ भी कहा जाता है तो इन तीन याद रखने हैं दोस्तों इन तीन के अलावा राजस्थान का चाहे कोई भी संत हो वो संत कौन होगा सगुण निर्गुण होगा देखिएगा अब इनके अलावा राजस्थान के ऐसे कौन कौन से संत है जो निर्गुण है दोस्तों हम नाम दे सकते हैं जैसे जाम्बोजी इन तीन के बारे में याद रखना इन तीन के अलावा कोई भी आ जाए निर्गुण होगा जिससे जम्बो इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं जसनाथ जी जाम्बोजी हो गए जसनाथ जी हो गए दोनों राजस्थान के हैं दोस्तों इन तीन के अलावा दोस्तों कोई भी आ जाए तो आपको क्या करना है निर्गुण इसके अलावा दोस्तों रामचरण जी जिन्होंने राम सनई संप्रदाय की स्थापना की और राम सनई संप्रदाय की प्रमुख कितने पीठे हैं चार पीठे हैं तो चार पीठों के जितने भी प्रधान हैं जिन्होंने भी स्थापना की वो सारे के सारे कौन होंगे निर्गुण होंगे जैसे देखो रामचरण जी इसके अलावा दोस्तों हम यू कह सकते हैं दरियाव जी जिन्होंने रेण में शाखा स्थापित की थी दरियाव जी इसके अलावा हरिराम जी हरिराम जी इसके अलावा दोस्तों रामदास जी रामदास जी ये सारे के सारे कौन है दोस्तों निर्गुण है इसके अलावा हम बात करें दोस्तों दादू दयाल जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी राजस्थान में दादू दयाल और दादू दयाल जी के शिष्य कौन थे सुंदर जी जी सुंदरदास जी जितने भी दादू पंथी है सुंदरदास जी इसके अलावा दोस्तों रजब जी इन्हीं का एक शिष्य था जिसका नाम था बखना जी बखना जी इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के हम अन्य संप्रदाय की बात करें जैसे एक संत का नाम है लालदास जी क्या नाम है लालदास जी लालदास जी तो लालदास जी भी कौन है निर्गुण है इसके अलावा दोस्तों हम यू कह सकते हैं संतदास जी संतदास जी लालगिरी जी लालगिरी जी इसके अलावा दोस्तों आपको ये याद रखना संत पीपा जी संत पीपा जी इसके अलावा दोस्तों संत धन्ना जी संत धन्ना जी संत धन्ना जी इसके अलावा दोस्तों इनके अलावा हम यू कह सकते हैं सदना जी सदना जी सेना जी सदना जी इसके अलावा हम यू कह सकते हैं जो सेना जी है वो भी इसी के हुए हैं देखिएगा संतदास जी इसके अलावा धन्ना जी इसके अलावा हम यू कह सकते हैं जो कबीर हुए है वो कबीर भी कौन है राजस्थान के नहीं थे ये कबीर कबीर इनके अलावा दोस्तों हम यू कह सकते हैं रेदास रेदास ये सारे के सारे कौन है इसके अलावा हम यू कह सकते हैं सदना जी सदना जी अब देखिएगा दोस्तों आपको याद क्या रखना है आपको याद ये तीन रखने ये तीन रख लो वो ऑटोमेटिक इन तीन के अलावा कोई भी आ जाए तो इसका मतलब वो कौन होंगे निर्गुण होंगे आपको दोस्तों ये तीन याद रखने तीन के अलावा कोई भी आ जाए तो वो कौन होंगे निर्गुण होंगे दोस्तों आपने स्क्रीन शॉट ले लिया तो उसके बाद में आप आगे बढ़, आगे बढ़ते हैं एक बार बताइए ले लिया है क्या हाँ आपको ये बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है ये तीन ही है तीन के अलावा कोई भी आ जाए और तो आपको सीधा सीधा याद क्या रखना है इन तीन के अलावा कोई भी आ गया तो वो कौन होंगे आ, हम यू कह सकते हैं निर्गुण होंगे बहुत सारे विद्यार्थी एक विद्यार्थी का कमेंट कमेंट आ रहा चरण दास जी दोस्तों आगे मैं बताऊंगा राजस्थान के तीन ऐसे संत हुए जो सगुण और निर्गुण हम यू कह सकते हैं सगुण और निर्गुण दोनों से संबंधित है देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थियों को आ रहे हैं कमेंट की इन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया देखिए आगे बढ़ते हैं आगे दोस्तों इसी में बढ़ते हैं हम देखिएगा इसके अलावा दोस्तों आप याद र... याद आपको यह रखना है कि राजस्थान में एक तो है सेव संप्रदाय राजस्थान में एक तो क्या है सेव संप्रदाय और हम यू कह सकते हैं दूसरा एक संप्रदाय है दोस्तों जिसका नाम है वैष्णव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय सेव संप्रदाय और दूसरा कौन सा संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय सेव संप्रदाय और प्लस दूसरा जो संप्रदाय है उसका नाम क्या है वैष्णव संप्रदाय अब देखिएगा सेव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय इस संप्रदाय में दोस्तों पूजा किसकी की जाती है भगवान शिव की और इस संप्रदाय में पूजा भगवान शिव की की जाएगी तो इस संप्रदाय में जो मूर्ति होगी वो मूर्ति किसकी होगी भगवान शिव की तो देखिएगा जिसमें मूर्ति पूजा प्रबल दिया जाता है वो संप्रदाय क्या है सगुण है इसका मतलब जितने भी सेव संप्रदाय है वो सारे के सारे सेव संप्रदाय किस प्रकार के संप्रदाय है सगुण संप्रदाय है इसके अलावा दोस्तों एक संप्रदाय जिसका नाम वैष्णव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय में पूजा किसकी की जाएगी भगवान विष्णु की तो भगवान विष्णु के जितने भी रूप है जितने भी अवतार है जितने भी स्वरूप है उन सब की पूजा की जाएगी तो इसमें भगवान विष्णु की क्या होगी मूर्ति होगी आप भगवान विष्णु का और भगवान शिव का कहीं पर भी मंदिर देखो तो दोस्तों उन मंदिर में जो आपको हम यू कह सकते हैं उस मंदिर में जो भी आपको मूर्ति दिखाई देगी उस मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो देखिएगा इन दोनों संप्रदायों में दोस्तों मूर्ति पूजा की जाती है और जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है वो कौन सा होता है सगुण होता है यानी इनके जितने भी संत होंगे वो संत सारे के सारे कौन होंगे सगुण होंगे जैसे देखिएगा वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से है जैसे देखिएगा दोस्तों याद रखिएगा एक संत है जिसका नाम है यमुनाचार्य यमुनाचार्य इसके अलावा दोस्तों एक संत है जिसका नाम है रामानुज इसके अलावा एक संत है दोस्तों रामानंद रामानंद इनके अलावा दोस्तों एक संत है जिसका नाम है निम्बारकाचार्य निबार्य निंबारकाचारिये। रामानुज रामानंद यमुनाचार्य निम्बारकाचार्य इसके अलावा एक संत है जिनका नाम है माधवाचार्य सारे के सारे किससे संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है तो दोस्तों इस संप्रदाय को मानने वाले भी कौन है सगुणी है तो हम यू कह सकते हैं दोस्तों यमुनाचार्य रामानंद रामानुज माध्वाचार्य माधवाचार्य का काचार्य ये सारे के सारे कौन है सुगुण है और इनके अलावा कोई भी आ जाए तो वो कौन होंगे निर्गुण होंगे तो दोस्तों देखिएगा एक बार इसका पुनः आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये इनसे संबंधित भी यदि कोई भी संत आ जाए वो कौन होंगे सगुण होंगे हाँ, वल्लभ संप्रदाय हम यू कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी वल्लभाचार्य ने की थी तो वल्लभाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो वल्लभाचार्य भी कौन है सगुणी है अब इसके अलावा दोस्तों आगे देखिएगा नेक्स्ट हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इनके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे संत है जिन्होंने हम यू कह सकते हैं सगुण और प्लस निर्गुण सगुण और प्लस निर्गुण के मिश्रित सगुण और निर्गुण के मिश्रित भक्ति को अपनाया भक्ति को अपनाया ऐसे राजस्थान के कितने संत हैं जिन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों के मिश्रित भक्ति को अपनाया ऐसे राजस्थान के कितने संत हैं तो देखिएगा ऐसे संत में दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे राजस्थान के कुल तीन संत हैं जिन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को अपनाया ऐसे राजस्थान के कितने है? तीन है तो वो तीन है कौन कौन से दोस्तों एक का नाम है संत संत हम कह सकते हैं जो संत माउजी है वो कौन है निर्गुण भक्ति को भी अपनाया और सगुण भक्ति को भी अपनाया यानी दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया इसके अलावा दोस्तों हम यू कह सकते हैं रामचरण दास जी जिन्होंने चरणदास संप्रदाय की स्थापना की थी चरण दास जी इनके अलावा जो है वो क्या है चरण दास जी इसके अलावा हम यू कह सकते हैं दोस्तों हरि सिंह सांकला हरि सिंह सांकला हरि सिंह सांकला ये तीन ऐसे हैं दोस्तों जो निर्गुण से भी संबंधित है और सगुण से भी संबंधित है अब देखिएगा इनका योगदान क्या क्या है तीनों का संत माऊजी ने दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी और आप इतना सा याद रखिएगा यदि कोई संत सगुण है और वो किसी संप्रदाय की स्थापना कर रहा है तो इसका संप्रदाय सगुण होगा संपर्दा और यदि कोई संत निर्गुण है और किसी संप्रदाय की स्थापना कर रहा है तो इसका मतलब जो संप्रदाय होगा वो संप्रदाय कैसा होगा निर्गुण होगा और देखिएगा अब ये जो दोस्तों संत माऊजी है ये संत माऊजी निर्गुण और सगुण मिश्रित मार्ग को अपना रहे हैं तो इनका जो संप्रदाय है वो संप्रदाय भी कैसा होगा दोस्तों हम यू कह सकते हैं मिश्रित होगा चरणदास जी ने दोस्तों जिस संप्रदाय की स्थापना की उस संप्रदाय का नाम क्या है चरणदासी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय तो दे, देखिएगा दोस्तों जो चरणदासी संप्रदाय है वो चरणदासी संप्रदाय कैसा है मिश्रित है इसके अलावा सिंह सांगला ने दोस्तों एक संप्रदाय की स्थापना की और उस संप्रदाय का नाम क्या है निरंजनी संप्रदाय कौन सा संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय तो देखिएगा जो निरंजनी संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय भी किस प्रकार का है मिश्रित है इसके अलावा दोस्तों जो संत माऊजी है इन संत माऊजी को कहा जाता है वागड़ का धनी देखिएगा संत माऊजी को क्या कहा जाता है दो जिले आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा वागड़ का धनी और देखिएगा दोस्तों वागड़ का धनी किसको कहा जाता है संत माऊजी को हरि सिंह सांगला को दोस्तों राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है राजस्थान का वाल्मीकि राजस्थान का वाल्मीकि आपको ये याद रखना वागड़ का संत किसको कहा जाता है संत माउजी को और राजस्थान का वाल्मीकि किसको कहा जाता वाल्मीकि आरंभ में डाकू थे और हरि सिंह सांकला भी आरंभ में डाकू थे हरि सिंह सांकला ने दोस्तों हम यू कह सकते हैं राजस्थान के एक लोक देवता जिनका नाम है हड़बू जी सांकला और हड़बू जी सांकला से ये ये पहले डाकू थे और बाद में इन्होंने संन्यास धारण ले लिया तो इनके जो गुरु थे हम यू कह सकते हैं किस सांकला पर इन्होंने या किसके सलाह पर इन्होंने संन्यास धारण किया हरबुजी सांकला की सलाह पर और इसलिए इनको क्या कहा जाता है राजस्थान का क्या कहा जाता है वाल्मीकि भी कहा जाता है ये तीन आपको याद रखने हैं तो दोस्तों आप एक बार इनका स्क्रीन लीजिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा वागड़ और बांगड़ में अंतर क्या है देखिएगा एक विद्यार्थी का कमेंट आ रहा संप्रदाय क्या होता है दोस्तों यदि इसको मनोविज्ञान में पढ़ते हैं हम तो वहां पर इसका अर्थ यह होता है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय तो वहां पर इसका इस, इस, इसका अर्थ होता है स्कूल से विद्यालय से गढ़ से केंद्र से और यदि यहां पर हम पढ़ते हैं संत के साथ में संप्रदाय तो संप्रदाय का अर्थ लगाते हैं दोस्तों धर्म से एक संत द्वारा जो धार्मिक विचारधारा प्रतिपादित की जाती है उस धार्मिक विचारधारा को हम क्या कहते हैं संप्रदाय कहते हैं इसके अलावा दोस्तों देखिएगा हम एकक संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों जो पहला संप्रदाय लेते हैं हम दोस्तों उस संप्रदाय का नाम है सेव संप्रदाय एक एकक संप्रदाय के बारे में संप्रदाय का नाम क्या है दोस्तों सेव संप्रदाय देखिएगा ये सेव संप्रदाय कहते किसे है हम यू कह सकते हैं दोस्तों वह संप्रदाय जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है वह संप्रदाय जिसमें पूजा किसकी की जाती है भगवान शिव की की जाती है जैसे देखिएगा भगवान शिव की पूजा आराधना जिस संप्रदाय में की जाती है उस संप्रदाय का नाम क्या है शिव संप्रदाय अब देखिएगा इसमें भगवान शिव के जितने भी रूप होते हैं हम यू कह सकते हैं जितने भी रूप होते हैं जितने भी स्वरूप होते हैं इसके अलावा दोस्तों हम यू भी कह सकते हैं जितने भी अवतार होते हैं इन सब की जिस संप्रदाय में पूजा या आराधना की जाती है उस संप्रदाय को हम क्या कहते हैं शिव संप्रदाय कहते हैं देखिएगा एक शब्द आता है दोस्तों नई नार यू कह सकते हैं नई नार नई नार जो शब्द आता है दोस्तों हम यू कह सकते हैं दक्षिण भारत में कहां पर दक्षिण भारत में संतों संतों को, शे, को नई नार कहा गया नई नार कहा गया क्या कहा गया नई नार कहा गया और जबकि दोस्तों दक्षिण भारत में हम यू कह सकते हैं जो भगवान विष्णु के संत थे या भगवान विष्णु के जो आराधक थे या भगवान विष्णु को जो मानने वाले थे उनको क्या कहा गया उनको अलवार या अलवार कहा गया और जबकि नईनार कौन है भगवान विष्णु के भक्त जो निवास कहाँ करते थे दक्षिण भारत में शेव संप्रदाय या शैव संतों को क्या कहा गया अः कहा गया और जबकि जो दोस्तों अलवार है ये अलवार पढ़ेंगे हम किस में जब वैष्णव संप्रदाय पढ़ेंगे तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपको ये पढ़ना है कि इस संप्रदाय में प्रमुख राजस्थान में सेव संप्रदाय है कौन कौन से तो देखिएगा एक संप्रदाय है दोस्तों जिसका नाम है नाथ संप्रदाय कौन सा संप्रदाय नाथ संप्रदाय देखिएगा इस नाथ संप्रदाय ये सेव संप्रदाय है इसके अलावा दोस्तों एक संप्रदाय है जिसका नाम है लकुलिस संप्रदाय कौन सा संप्रदाय लकुलिस संप्रदाय और लकुलिस भी संप्रदाय कैसा सेव संप्रदाय इसके अलावा दोस्तों नंबर तीन कापालिक संप्रदाय कौन सा संप्रदाय कापालिक संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय भी किस प्रकार का सेव संप्रदाय इस संप्रदाय में भी भगवान विष्णु की भगवान शिव की पूजा की जाती है इसके अलावा दोस्तों एक संप्रदाय जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय लिंगायत संप्रदाय और दोस्तों जो पांचवा संप्रदाय है उसका नाम है कश्मीरी संप्रदाय यह हम इसका नाम दे सकते हैं कश्मीरी सेव संप्रदाय दोस्तों ये जितने भी संप्रदाय है हम यू कह सकते हैं इन संप्रदायों में पूजा किसकी की कि जाती है भगवान शिव की की जाती है और इन सब का संबंध किससे है भगवान शिव से है, है। देखिएगा नाथ संप्रदाय हम नाथ संप्रदाय की भी चर्चा करते हैं दोस्तों तो इस नाथ संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती है लेकिन इसमें भगवान शिव को आदिनाथ माना गया है लकुली संप्रदाय इसमें भी भगवान शिव की पूजा की जाती है पालिक संप्रदाय भगवान शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है और इस संप्रदाय में सर्वाधिक शिवलिंग को महत्व दिया जाता है इस कणिज का नाम क्या रखा गया लिंगायत संप्रदाय इसके अलावा दोस्तों कश्मीरी सेव संप्रदाय हम यू कह सकते हैं इसके जो आरा इसको जो मानने वाले अधिकांश वो कश्मीरी घाटी में रहते हैं इस कणिज का नाम क्या रखा कश्मीरी सेव संप्रदाय अब देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं जो भक्ति करते थे वो लोक देवता दोस्तों इनका संबंध अलग है लोक देवता एक अलग शब्द है और संत एक अलग शब्द है संत का अर्थ जिसको आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया हो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसको संत कहते हैं और लोक देवता वो है दोस्तों जिन्होंने लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य किया समाज में एक आदर्श बनकर निकले अपने चमत्कार से लोगों को प्रभावित किया और गो रक्षार्थ हेतु अपने प्राण न्योछावर कर दिए उन लोगों को क्या कहा गया लोक देवता कहा गया और संतों के द्वारा जो धार्मिक विचारधारा प्रस्तुत की गई थी उसको क्या कहा जाता है संप्रदाय उस संप्रदाय का नाम क्या दिया जाता है हम कह सकते हैं उसे संप्रदाय शब्द दिया जाता है जो लकुली संप्रदाय है इसी को पाशुपात संप्रदाय भी कहते हैं इस पाशुपात संप्रदाय की स्थापना लकुलिस नामक ऋषि ने की थी इस कहानी संप्रदाय का नाम क्या पड़ा लकुली संप्रदाय पड़ा मूलतः जो इसका नाम है वो क्या है पाशुपात संप्रदाय दोस्तों हम एकक -एक के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम नाथ संप्रदाय के बारे में उसके बाद में लकुलिस उसके बाद में पशुपात और लिंगायत और कश्मीरी सेव संप्रदाय तो दोस्तों आप इसका स्क्रीन लेना चाहते हो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए देखिएगा हम सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा संप्रदाय नाथ संप्रदाय नाथ संप्रदाय दोस्तों देखिएगा नाथ संप्रदाय के अनेक उपनाम है देखिएगा इसी संप्रदाय को कहते हैं दोस्तों योग संप्रदाय इसी संप्रदाय का जो नाम लिया जाता है वो क्या नाम लिया जाता है योग संप्रदाय इसी को कहा जाता है दोस्तों अवधुत संप्रदाय अवधुत संप्रदाय और इसी संप्रदाय को कहा जाता है दोस्तों सिद्ध मार्ग सिद्ध मुख यानी हम यू कह सकते हैं सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय देखिएगा जो संप्रदाय है दोस्तों इस संप्रदाय का नाम क्या है नाथ संप्रदाय अब देखिएगा नाथ संप्रदाय का दोस्तों जो पहला नाम नाम है है उसका नाम क्या योग संप्रदाय इसी को क्या कहा जाता इसी को कहा जाता सिद्ध मार्ग सिद्ध सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय ये जो सारे के सारे नाम है दोस्तों वो किस संप्रदाय के है नाथ संप्रदाय के अब देखिएगा इस नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो प्रवर्तक कौन है इस नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है हम यू कह सकते हैं दोस्तों इस नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उस प्रवर्तक का नाम क्या दिया जाता है मत्स्य चंद्र नाथ इन्हीं को दोस्तों दूसरा नाम दिया जाता है योगिनी कोल योगिनी कोल इन्हीं का दूसरा नाम है योगिनी कोल और इन्हीं को कहा जा जाता है दोस्तों नाथ मुनि नाथ मुनि और इन्हीं का दोस्तों एक चौथा नाम मिलता है जिसका नाम है लुई सिद्धपाद लुई सिद्धपाद

अपनी पत्नी हम यू कह सकते हैं मां पार्वती को या भगवान शिव पार्वती को जब इस संसार के रहस्य बता रहे थे तब जब योगिनी कोल नाम का एक व्यक्ति था और वो रेस से सुन लेता मछली में बैठकर और वो व्यक्ति भी क्या हो जाता अमर हो जाता है इस कारण इनका नाम क्या पड़ा मत्स्य नाथ पड़ा इनका मूलत नाम क्या था योगिनी कोल और दोस्तों इस संप्रदाय की जिसने स्थापना की और इस संप्रदाय के संस्थापक को क्या कहा जाता है नाथ मुनि कहा जाता है तिब्बत में क्या कहा जाता है लुई सिद्ध पाद कहा जाता है दोस्तों इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है योग को दिया जाता है अब दो शब्द सुनने को मिलेंगे दोस्तों एक शब्द होता है योग और दूसरा शब्द होता है योगा इन दोनों में अंतर क्या है योग किसे कहते हैं योगा किसे कहते हैं दोस्तों एक जगह बैठकर जब हम हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां एक जगह केंद्रित कर लेते हैं तो उसे योग कहते हैं यानी एक जगह बैठ कर दोस्तों हम हमारे मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां दोनों आंखों के मध्य एक जो हमारा जहां भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है वहां पर जब हम केंद्रित कर लेते हैं तो उसको योगा कहते हैं और दोस्तों योग योगा, योगा यो, इसे योग कहते हैं और योगा जो शब्द है दोस्तों इसको हम प्रणाम यू कह सकते हैं कि जितने भी प्रकार के हम शारीरिक क्रिया करते हैं शारीरिक व्यायाम करते हैं उसको कहते हैं योगा एक जगह बैठकर संपूर्ण शक्तियां एक जगह केंद्रित करना योग और शारीरिक जितनी भी प्रकार की हम क्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं हम यु कह सकते हैं उसे योगा कहते हैं अब देखिएगा जो भगवान शिव है दोस्तों उन भगवान शिव को योग का जनक माना जाता है हम यु कह सकते हैं भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर योग लेकर कौन आए भगवान शिव लेकर आए इसलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है आदि योग कहा जाता है आदि योग या हम यू कह है सकते हैं इसीलिए भगवान शिव को क्या कहा जाता है आदिनाथ कहा जाता इसका मतलब दोस्तों जो नाथ शब्द है इस नाथ शब्द का अर्थ क्या है योग इसी को क्या कहा जाता? जाता है योग कहा जाता है यानी देखिएगा जो नाथ शब्द है दोस्तों इस नाथ शब्द का दूसरा नाम क्या लिया जाता है योग और भगवान शिव सबसे पहले योग लेकर आए और जो सबसे पहले आता है उसी के आगे हम मूल और आदि शब्द लगाते हैं तो आदि योग इसलिए किसको कहा गया भगवान शिव को कहा गया आदि योग या फिर हम यू कह है सकते हैं आदिनाथ अब देखिएगा दोस्तों इस संप्रदाय में जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है इस संप्रदाय में जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है योग को दिया जाता है सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाता है योग को नाथ में सर्वाधिक महत्व तो योग को दिया जाता है इस कारणी संप्रदाय का नाम क्या पड़ा योग संप्रदाय पड़ा जब भी योग किया जाता है दोस्तों तो इस योग में तल्लीन हो जाते हैं लोग जितने भी नाथ मुनि होते हैं जितने भी नाथ संप्रदाय के संत होते हैं एक जगह तल्लीन होकर योग करते हैं इसे कहते हैं अवधुत यदि हमारा मार्ग हम यो कह है सकते हैं हमारा जो मार्ग है वो सत्य है तो हमारा मत भी सत्य होगा और यदि हमारा मत सत्य है तो हमारा मार्ग भी क्या होगा सत्य होगा इसलिए इसे सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग संप्रदाय कहा जाता है अब देखिएगा इस संप्रदाय के जो संस्थापक है उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है मत चंद्रनाथ है तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एक विद्यार्थी का अर्थ आ रहा अवधुत का मतलब होता है दोस्तों तल्लीन होना एक जगह तल्लीन होकर जब हम कुछ क्रिया ना करके शारीरिक क्रिया ना करके हम मानसिक क्रिया करते हैं एक जगह बैठ कर तो उसे योग कहते हैं तो दोस्तों देखिएगा इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसी संप्रदाय में दोस्तों इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका हम नाम दे सकते हैं उनका नाम क्या है मत्य चंद्रनाथ इनका नाम क्या दे सकते हैं मत्यचंद्रनाथ दोस्तों इनके जो शिष्य थे वो इनके शिष्य कितने थे दो शिष्य थे एक जो इनके शिष्य था उनका नाम था गोरखनाथ एक तो इनका शिष्य कौन था गोरखनाथ और दूसरा जो दोस्तों इनका जो शिष्य था उनका नाम था जालंदर नाथ एक का नाम जालंधरनाथ नाथ और दूसरे का दूसरा जो इनका शिष्य था इसका नाम गोरखनाथ अब देखिएगा गोरखनाथ के बारे में कहा जाता है दोस्तों गोरखनाथ हट योग के प्रवर्तक है किसके प्रवर्तक हट योग के प्रवर्तक हट योग के प्रवर्तक जो है वो कौन है गोरखनाथ है हम यू कह सकते हैं इनके प्रसिद्ध शिष्य ब्रथरी हुए इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए, हुए, देखिएगा जो ब्रथरी है दोस्तों ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे अर्थात हम यू कह सकते हैं नाथ मुनि थे नाथ संतों को नाथ मुनि भी कहते हैं और दोस्तों जो ब्रथरी है इन ब्रथरी की हम यू कह सकते हैं जो समाधि है ब्रथरी की ब्रथरी का हम यू कह सकते हैं ब्रथरी का दोस्तों जो धूना है जो समाधि है वो समाधि कहाँ है सरीस का जंगल में है इनके बारे में ये याद रखिएगा इनकी जो समाधि है दोस्तों वो समाधि और धुना बताओ किस जंगल में सरीस का जंगल में और सरीस का जंगल कहाँ है दोस्तों अलवर में है सरीस का जंगल कहाँ है अलवर में इसके अलावा दोस्तों जो एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम एक संत हुए हैं उनका नाम जालंधर नाथ हम यू कह सकते हैं जालोर के सिरे मंदिर को अपना केंद्र बनाया जालोर के सिरे मंदिर को अपना केंद्र बनाया अपना केंद्र बनाया अब देखिएगा जो दोस्तों सिरे मंदिर है हम यू कह सकते हैं जो ये मंदिर है दोस्तों सिरे मंदिर ये मंदिर किस संप्रदाय का होगा नाथ संप्रदाय का होगा और नाथ संप्रदाय में दोस्तों जो पूजा की जाती है वो पूजा किसकी की जाती है हम यू कह सकते हैं इस संप्रदाय में पूजा की जाती है भगवान शिव की तो देखिएगा दोस्तों ये जो मंदिर है ये मंदिर किस सं किस से संबंधित है भगवान शिव का मंदिर है और ये जो मंदिर है दोस्तों ये मंदिर किस संप्रदाय का है नाथ संप्रदाय का है इसमें ये याद रखिएगा दोस्तों जो सिरे मंदिर है ये सिरे मंदिर जालोर दुर्ग में नहीं है ये सिरे मंदिर जालोर दुर्ग के सामने है जालोर दुर्ग के सामने है ये सामने है जालोर दुर्ग के सामने ये जालंदर नाथ की तपोभूमि थी जालोर दुर्ग के सामने नाथ संप्रदाय के ये मंदिर है और यह एक शिवालय है यानी इसमें भगवान शिव की क्या की जाती है पूजा की जाती है अब देखिएगा इसके बाद में दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अब देखिएगा इस संप्रदाय में हम यू कह सकते हैं दोस्तों जो ये संप्रदाय नाथ संप्रदाय इस नाथ संप्रदाय के कुल दो पंथ है नाथ संप्रदाय के प्रमुख पंथ राजस्थान में बात कहां की कर रहे हैं दोस्तों ना राजस्थान की कर रहे हैं तो नाथ संप्रदाय के दोस्तों जो प्रमुख पंथ है हम यू कह सकते हैं वो प्रमुख पंथ दो है एक पंथ है जिनका नाम है दोस्तों बैराग पंथ एक जो पंथ है उनका नाम क्या है बैराग पंथ और इस बैराग पंथ का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों वो राता डूडा है और राता डूडा हम यू कह सकते हैं पुष्कर के निकट ये दोस्तों पुष्कर के निकट है लेकिन याद रखना ये पुष्कर के निकट है लेकिन अजमेर में नहीं है दोस्तों ये किस जिले में नागौर जिले में कई किताबों में दोस्तों आपको अजमेर मिलेगा ये पुष्कर के निकट है राता डूडा और राता ढूंढा भी नहीं है राता डूडा और ये कहां पर है नागौर में एक तो राजस्थान में ये पंथ चलता है दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा पंथ चलता है हम यू कह सकते हैं दूसरा जो पंथ चलता है उसका नाम है मान पन्त। मान पंथ और इन मान पंथ को दूसरा नाम क्या दिया जाता है पंथ दिया जाता है मान पंथ या इसी का दूसरा नाम पंथ और इसका जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों एक तो जोधपुर का है महामंदिर और इसके अलावा महामंदिर के निकट ही जोधपुर में एक और मंदिर है और इस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों उदय मंदिर महामंदिर और उदय मंदिर उदे दो है दोस्तों और ये दोनों है कहां पर जोधपुर में तो देखिएगा जो महामंदिर है दोस्तों और जो उदय मंदिर है ये दोनों संबंधित किस है नाथ संप्रदाय के है और प्रमुख जिस पंथ का केंद्र है उस पंथ का नाम क्या है मान या पाव पाव पंथ या मान पंथ देखिएगा इस मंदिर का निर्माण दोस्तों एक मारवाड़ के राजा हुए है जिनका नाम था महाराजा मान सिंह महाराजा मान सिंह ने अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था और दोस्तों ये जो मंदिर है ये मंदिर कितने खंभों का है अस्सी खंभों का है ये दोनों मंदिर अस्सी खंभों पर बन रखे हैं दोनों मंदिर और दोनों मंदिरों का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया और दोनों मंदिर कहा है जोधपुर में ये इन दोनों मंदिरों में भगवान शिव सीव के शिवालय है और ये दोनों मंदिर जो है वो मंदिर क्या है दोस्तों हम यू कह सकते हैं ये मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद में हम नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ते हैं देखिएगा एक विद्यार्थी का बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है कि मठ क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा मठ में कि नाथ संप्रदाय का जो मंदिर होता है उस मंदिर को मठ कहा जाता है जैसे देखिएगा क्या है महामंदिर मठ है उदय मंदिर मठ है हम यू कह सकते हैं रात का क्या है मठ है और जो सिरे मंदिर है वो मूलतः सिरे मठ है या सिरे मंदिर मठ है अब इस मठ में यह याद रखिएगा जो नाथ संप्रदाय का मंदिर होता है उस मंदिर को हम क्या कहते हैं मठ कहते हैं नाथ संप्रदाय का मंदिर नाथ संप्रदाय का मंदिर नाथ संप्रदाय का जो मंदिर होता है उस वो मंदिर क्या कहलाता है मठ कहलाता है हाँ बहुत सारे विद्यार्थी हा नाथ संप्रदाय का जो मंदिर होता है वो क्या कहलाता है मठ कहलाता है अब देखिएगा दोस्तों इसके अलावा हम आगे पढ़े तो दोस्तों एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है पशुपात संप्रदाय पशुपात संप्रदाय की स्थापना दोस्तों हम कह सकते हैं लकुली नामक ऋषि ने की थी इसीलिए इस संप्रदाय का जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम क्या है लकुलिस संप्रदाय है इस संप्रदाय के बारे में दोस्तों आपको इतना सा याद रखना है इस संप्रदाय के दोस्तों जो प्रवर्तक होते हैं यह हम यू कह सकते हैं इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो लकुलिस नामक ऋषि है कौन से ऋषि है लकुलिस नामक ऋषि है ऋषि है और जो दोस्तों जो पाशुपात संप्रदाय को मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि पाशुपात मतावलियों के अनुसार जो भगवान शिव का जो अट्ठाईसवा और जो अंतिम अवतार है वो अंतिम अवतार लकुलिस नामक ऋषि ने लिया था ऐसा मानते हैं इस संप्रदाय में भगवान शिव के दिन में अनेक बार पूजा की जाती है हम यू कह सकते हैं भगवान शिव की भगवान शिव की दिन में अनेक बार पूजा दिन में अनेक बार पूजा अनेक बार पूजा की जाती है अनेक बार पूजा की जाती है इसमें और इस संप्रदाय में दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान में एकमात्र मंदिर राजस्थान में एकमात्र मंदिर यह कई बार प्रश्न आ रखा है दोस्तों इस संप्रदाय का जो राजस्थान में एकमात्र मंदिर।, एक मंदिर है दोस्तों वो एकमात्र मंदिर है कौन सा एकलिंगनाथ जी का मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर एकलिंगनाथ जी का मंदिर और एकलिंगनाथ जी का दोस्तों जो मंदिर है यह मंदिर किस गांव में कैलाशपुरी गांव में किस गांव में कैलाशपुरी गांव में और कैलाशपुरी गांव है कहां पर दोस्तों उदयपुर में इस मंदिर के बारे में जो दोस्तों ज्यादा जानकारी है यह मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे इसमें इतना सा याद रखिएगा यह भगवान शिव का मंदिर है इस मंदिर का निर्माण काल बोज या बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों काल भोज या बप्पा रावल ने करवाया था और राजस्थान में भगवान शिव का ये सबसे बड़ा मंदिर है इसी मंदिर में या एकलिंग एक नाथ जी कोई दोस्तों हम यू कह सकते हैं मेवाड़ का जो गुहिल परिवार था ये गुहिल परिवार अपना क्या मानते थे आ, हम यू कह सकते हैं अपना कुल देवता मानते थे इनको हरित ऋषि के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था ये हम यू भी कह सकते हैं हरित ऋषि का संबंध इसी संप्रदाय से है जो हरित ऋषि है वो हरित ऋषि बताओ किस संप्रदाय से संबंधित है इसी संप्रदाय से संबंधित है छोटा सा संप्रदाय है दोस्तों कोई खास नहीं है इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा एक संप्रदाय है दोस्तों जिसका नाम है कापालिक संप्रदाय कापालिक संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय में दोस्तों याद रखना इस संप्रदाय में जो भगवान शिव की पूजा की जाती है वो भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है यानी या हम यू लिख सकते हैं भैरव के रूप में भगवान शिव की पूजा या शिव की पूजा जो इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है दोस्तों वो किसके रूप में की जाती है भैरव के रूप में की जाती है ये जो संप्रदाय होता है दोस्तों कापालिक संप्रदाय इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो तांत्रिक होते हैं वो शमशान वासी होते हैं उनको गोरी बाबा भी कहा जाता है और ये दोस्तों नरबली में विश्वास रखते हैं और हम यू कह सकते हैं मुंडी माला धारण करते हैं एक इंसान की खोपड़ी को अपने गले में पहनते हैं और उसी के अंदर ये शराब पीते हैं जिनको हम सुरापान कहते हैं तो देखिएगा दोस्तों हम इनके बारे में यू कह सकते हैं इनके जो साधु होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं तांत्रिक होते हैं दूसरी बात जो साधु होते हैं वो साधु कैसे होते हैं शमशान वासी होते हैं कैसे होते हैं शमशान वासी होते हैं इसके अलावा हम यू कह सकते हैं इन संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो मुंडी मुंड माला या हम यू कह सकते हैं कि जो भी मुंडमाला में या हम यू कह सकते हैं इंसान की खोपड़ी में जो शराब पीते हैं उनको क्या कहते हैं सुरापान सुरापान करते हैं सुरापान करते हैं है. इसके अलावा दोस्तों ये नरबली में विश्वास रखते हैं नरबली में या नरबली को वेद मानते हैं ये नरबली को क्या मानते हैं वेद मानते हैं किस संप्रदाय के साधु कापालिक संप्रदाय के साधु तांत्रिक होते हैं न शमशानवासी होते हैं सूरापन करते हैं और इसके अलावा नरबली को वेद मानते हैं इसके अलावा धाग हम यू कह सकते हैं गले में मुंड माला भी धारण करते हैं अंगोरी बाबा भी कहा जाता है इनको अंगोरी बाबा इन्हीं को कहा जाता है इसके अलावा दोस्तों दो छोटे छोटे संप्रदाय एक संप्रदाय है जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय संप्रदाय का नाम क्या है लिंगायत संप्रदाय और इस संप्रदाय का संबंध दोस्तों राजस्थान से है नहीं तो ये संप्रदाय के बारे में हम यू कह सकते हैं ये जो संप्रदाय है दोस्तों ये संप्रदाय इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती है लेकिन किसके रूप में की जाती है हम यू कह सकते हैं शिवलिंग के रूप में की जाती है इसके अलावा दोस्तों एक संप्रदाय है जिसका नाम है कश्मीरी सेव संप्रदाय कश्मीरी सेव संप्रदाय और इस संप्रदाय के दोस्तों जो साधु होते हैं वो साधु कश्मीरी घाटी में निवास करते हैं तो यहां पर है नहीं तो इस संप्रदाय का भी संबंध किससे नहीं है राजस्थान से नहीं है दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे तो आप इतना सा याद रखना दोस्तों कि हमने इसमें एक तो ये पढ़ लिया सगुण कौन से निर्गुण कौन से है मिश्रित कौन से है इसके अलावा जितने भी सेव संप्रदाय है सेव संप्रदाय हमने पढ़ लिया है दोस्तों हम कल पढ़ेंगे भगवान विष्णु से संबंधित और भगवान विष्णु से जो संबंधित है उसका नाम क्या है वैष्णव संप्रदाय तो दोस्तों कल हम फिर मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर की क्लास के साथ में वैष्णव संप्रदाय के साथ में तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार click on the subscribe button to subscribe to our channel press the bell icon on the youtube app and never miss another update download the kush classes jodhpur app from the play store for more pdf materials online classroom programs and attractive combos